हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मंजू और आज मैं आपके सामने क्रिएट करूंगी ये डे टाइम पार्टी मेकअप लुक। सो अगर आप इंटरेस्टेड है जानने में कि ये लुक मैंने कैसे अचीव किया है, देन वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है देन प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं गुड वाइब का टोनर यूज़ करूँगी। पूरे फेस पे स्प्रे करने के बाद एक स्पंज से उसको अच्छे से सेट कर लूँगी। देन मैं प्राइमर के लिए लैक्मे एब्सोल्यूट का ब्लर परफेक्टिंग प्राइमर यूज़ करूँगी और ये बहुत ही अच्छा प्राइमर है। ये एक पार्टी मेकअप लुक है। सो मैं डार्क सर्कल्स को कंसील करने के लिए पहले मैं कलर करेक्टर यूज़ करूँगी, इसके बाद मैं कंसीलर अप्लाई करूँगी। कलर करेक्टर को सेट करने के लिए मैं एले गर्ल का प्रो पाउडर यूज़ करूँगी। फाउंडेशन के लिए मैं मेबिलिन का स्टे 24 आवर्स फाउंडेशन यूज़ करूँगी और इस फाउंडेशन की जो शेड है वो मेरे स्किन टोन से बहुत हद तक मैच करती हुई है। ये एक फुल कवरेज फाउंडेशन है बट मैं बहुत थोड़ा अप्लाई करूँगी क्योंकि मुझे उतना कवरेज नहीं चाहिए, मैं शीयर कवरेज में अप्लाई करूँगी। कंसीलर के लिए मैंने वेट एंड वाइल्ड का कंसीलर यूज़ किया है और इसका जो शेड है वो भी मेरी स्किन से बहुत हद तक मैच करता है। ये कोई हाईलाइट कंसीलर नहीं है, सिर्फ ये मेरे स्किन टोन का कंसीलर है, इसीलिए मैंने डार्क सर्कल्स को हाइड करने के लिए ये वाला कंसीलर यूज़ किया है और इसको मैं एज ए आई शेडो बेस भी यूज़ कर रही हूँ। कंसीलर को सेट करने के लिए मैंने NYB का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ किया है। आई शेडो के लिए मैंने ब्यूटी ग्लेस्ड का मस्ट हैव पैलेट यूज़ किया है और उसमें से मैं लाइट शेड को पिक करके अपने आउटर व्यू पर प्लेस करते हुए मैं आगे के साइड ब्लेंड कर रही हूँ। मैं एक साथ मैं दोनों आईज़ का मेकअप करती हूँ क्योंकि मैं भूल जाती हूँ कि मैंने कौन सा शेड यूज़ किया, इसीलिए मैं दोनों आईज़ का मेकअप साथ के साथ करती रहती हूँ। इसके बाद मैंने एक डार्क ब्राउन शेड लिया है, उसको मैं अपने आउटर व्यू पर प्लेस करते हुए अगेन आगे के साइड ब्लेंड कर रही हूँ। इसके बाद मैं एक डार्क ब्राउन या ग्रे शेड, ये है एक्चुअली, सॉरी गाइस, मुझे कलर्स उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करने आते हैं, उसको मैं अपने आउटर व्यू पर ब्लेंड करते हुए आगे के साइड फिर से ब्लेंड कर रही हूँ।
इसके बाद मैं एक शिमर कलर लूँगी, उसको मैं अपने आईलेड पर अप्लाई करूँगी, और ये आई थिंक डार्क ग्रे या ब्राउन टाइप का शेड है, इसको मैं अपने आईलेड पर अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। ये एक शिमरी शेड है। जस्ट अपने आउटर वी को थोड़ा सा डार्क करने के लिए मैंने एक ब्लू शेड पिक किया है, उसको मैं अप्लाई करूँगी। मुझे फॉल्स आईलैशेस अप्लाई करने हैं, सो उसको अप्लाई करने से पहले मैं आईलाइनर लगाऊंगी, क्योंकि अगर मैं फॉल्स आईलैश लगाती हूँ और थोड़ा बहुत गैप रह जाता है देन वो उतना विजुअल ना हो, इसीलिए मैंने आईलाइनर लगाया है। इसके बाद मैं स्टे क्विकी का काजल अप्लाई करूंगी। देन मैं अपनी लोअर लैश लाइन को थोड़ा सा स्मज कर लूँगी, इसमें मैंने ये पहले कोरल शेड पिक किया है, इसके बाद मैं एक डार्क शेड लूँगी, उसके साथ मैं अच्छे से स्मज कर लूँगी अपनी लोअर लैश लाइन को। ब्रोंजर के लिए मैं शिवाना का कलर ब्रोंजर यूज़ कर रही हूँ, और इसको यूज़ करके मैं अच्छे से जहाँ जहाँ मुझे अपने फेस को थोड़ा सा शेप देना है वहाँ वहाँ मैं अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। इसके बाद मैं मेबलिन फिट मी का ये ब्लशर यूज़ करूँगी, इसमें हल्का सा शीन है और ये बहुत ही अच्छा एक कोरल शेड का ब्लशर है, ये डे टाइम के लिए एकदम परफेक्ट ब्लशर है। देन मैं हाइलाइटर के लिए शिवाना का हाइलाइटर यूज़ करूँगी, और इसमें बहुत सारे शेड्स मिल जाती हैं, सो ये बहुत ही अच्छा हाइलाइटर है, इसको मैं जहाँ जहाँ मुझे अपने फेस को हाईलाइट करना है वहाँ वहाँ मैं इसको अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। और हाइलाइटर अप्लाई करते टाइम मुझे याद आया कि मैंने आईब्रोज़ तो फिल ही नहीं किए, सो इसके बाद मैं अपने आईब्रोज़ को फिल करूँगी। लिपस्टिक के लिए मैं NYBK के लिक्विड लिपस्टिक यूज़ करूँगी, और इसमें जो मेरा शेड है वो है शेड द हुबेल। और मेकअप को सेट करने के लिए मैं अपना DIY सेटिंग स्प्रे यूज़ करूँगी। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, आप सबकी हेल्प की मुझे बहुत ज़रूरत है, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल।
एंड थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.